दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग सब मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैलकुलेटर ऐप की। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर कैलकुलेटर ऐप को यूज करते हैं और आपसे कैलकुलेटर ऐप यहाँ पर डिलीट हो गया है, या कैलकुलेटर ऐप के अंदर जो आपने फोटो सेव किए थे वो यहाँ पर आपसे डिलीट हो गए हैं और अब उन्हें आप वापस लाना चाहते हैं, तो किस तरह से वापस ला सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, स्किप बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने फोटो को वापस ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। दोस्तों स्क्रीन पर आने के बाद मैं अपने कैलकुलेटर ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों ये कैलकुलेटर ऐप मेरा यहाँ पर ओपन हो गया है। तो दोस्तों मैं सिंपल यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अभी के टाइम में अपने कैलकुलेटर ऐप में 5 फोटो को सेव करके रखा हुआ है। तो सिंपली अब मुझे करना क्या है, मैं इस ऐप से अब बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद दोस्तों अब मैं इस ऐप को यहाँ से आपको डिलीट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इस ऐप को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इस ऐप को यहाँ पर आपके सामने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद अब सिंपली करना क्या है, अब प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद कैलकुलेटर ऐप को यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों काफ़ी सारे कैलकुलेटर ऐप आपके सामने यहाँ पर आकर शो हो जाते हैं। दोस्तों आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, आप जो भी कैलकुलेटर ऐप यूज़ करते थे वही कैलकुलेटर आपको यहाँ से दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसा कि मैं इस कैलकुलेटर ऐप को यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैलकुलेटर ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए दोस्तों मैं इस ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। एग्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कैलकुलेटर आपके फ़ोन से डिलीट हुआ है उसी कैलकुलेटर ऐप का पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों पासवर्ड एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, आपको सिंपली गैलरी पर क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने कैलकुलेटर ऐप यहाँ पर डिलीट किया था और दोबारा इंस्टॉल करने के बाद वे फ़ोटो यहाँ पर सेव के सेव ही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके फ़ोन से भी कैलकुलेटर ऐप यहाँ पर डिलीट हो गया है, तो आप भी दोबारा उसी कैलकुलेटर को इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से अपने फ़ोटो को वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है, कैलकुलेटर ऐप के अंदर से आपने फ़ोटो डिलीट कर दिए हैं तो वे किस तरह से वापस आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। सिंपली मैं 2 फोटो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 फोटो को डिलीट कर दिया है, सिंपली अब बैक आ जाता हूँ। तो दोस्तों आपके कैलकुलेटर ऐप के अंदर ही ट्रस्ट नाम का एक फोल्डर आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने अभी के टाइम में फ़ोटो यहाँ पर डिलीट किए थे वो यहाँ पर आकर सेव हो गए हैं।
दोस्तों अब बात आती है इन फोटो को कैसे रिकवर करें। दोस्तों तो आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपके फ़ोटो को 15 दिन से ज़्यादा डिलीट हुए हुए हो गए तो वो आपके फ़ोटो यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोटो को 15 दिन से कम हुए हैं डिलीट हुए हुए, तो आप सिंपली यहाँ से इस तरह से रिकवर कर सकते हैं। सिंपली आपको टिक लगाना है, टिक लगाने के बाद आपको रेस्टोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रेस्टोर पर क्लिक करते हैं सिंपली आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ से आपने फ़ोटो को डिलीट किया था वो दोबारा वहीं पर आकर सेव हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरे फ़ोटो यहाँ पर आकर सेव हो गए हैं। तो दोस्तों आप भी अपने कैलकुलेटर ऐप से डिलीट हुए फ़ोटो को इस तरह से वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर, अगर आपके फ़ोटो को 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं डिलीट हुए हुए, तो आप किस तरह से वापस ला सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में आपको करना क्या है, आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आपको फाइल मैनेजर यहाँ पर सर्च करना है। फाइल मैनेजर सर्च करने के बाद काफी सारी ऐप यहाँ पर आकर सो जाते हैं। दोस्तों आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको फाइल बाय गूगल वाले ऐप को ही यहाँ पर इंस्टॉल करना है। दोस्तों मैं इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। दोस्तों आपको सिंपली ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सो हिडन फाइल का, ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है, आपको इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों काफ़ी सारी फाइलें आपके सामने यहाँ पर अगर शो हो जाती है, आपको DCIM फाइल को देखना है। देखने के बाद दोस्तों ये हमारे सामने आ गई, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों डॉट थंबनेल करके आपके सामने यहाँ पर एक फाइल आएगी। दोस्तों जैसे कि इसमें फर्स्ट पर आ रही है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी मेरे यहाँ से फोन से फोटो डिलीट हुए थे वो यहाँ पर आकर सारे मिल गए हैं। दोस्तों जो सभी फोटो यहाँ पर मुझे रिकवर करना है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर ये एक फोटो को रिकवर करने वाला हूँ, यानी कि वापस लाना चाहता हूँ, तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली 3 बार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी टू पर क्लिक करना है। कॉपी टू पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक न्यू फोल्डर बना लेना है। फोल्डर बनाने के बाद आपको कॉपी टू फोल्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आपका फोटो आपके मोबाइल गैलरी में आकर सेव हो जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गैलरी में आने के बाद दोस्तों आपको देख लेना है कि आपने जो न्यू फोल्डर बनाया था वो कहाँ पर है। दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि मैंने न्यू फोल्डर बनाया था वो यहाँ पर आकर सो गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि जो मैंने फोटो अभी के टाइम में रिकवर किया है वो यहाँ पर आकर सेव हो गया है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपने फोटो को वापस ला सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।